दोस्तों, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA ने फाइनली उसके एग्ज़ाम के डेट रिलीज़ किया है, जिसका फॉर्म फिलअप 2016 में हुआ था। 2016 में फॉर्म फिलअप हुआ था, 2018 में इसका एग्ज़ाम हो रहा है। तो बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे, काफ़ी सारा कैंडिडेट होंगे जो इसका जो नोटिफिकेशन था उसके बारे में ठीक तरह से याद नहीं है और भूल चुके होंगे। तो आज इस वीडियो पर मैं बात करूँगा इस दिल्ली अथॉरिटी 2016 में जो नोटिफिकेशन निकले थे उसका वैकेंसी कितना था, सिलेबस क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इस बारे में। नमस्कार दोस्तों, जॉब रिलेटेड सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आपको लगता है इस वीडियो में मैंने जिस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है वो आपके कोई काम में आएगा, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अंत में इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पर जाके कमेंट कीजिएगा। तो देख लेते हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो फॉर्म फिलअप हुआ था 2016 में वो कब हुआ था। 21 मई में फॉर्म फिलअप हुआ था, जो 20 जून तक चला था, और उस वक्त इसका टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट अगस्त 2016 बताया गया था। इसका एग्ज़ाम अभी होने वाला है। इसके बाद देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या था। देखिए, इसका क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा लेवल, जो कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कोई भी हो सकता है। इसका सैलरी पैकेज क्या है, देखिए ये नॉन ग्रेजुएट बी लेवल का जॉब है, तो इसका सैलरी पैकेज 9300 से 34800 है। इसका ग्रेड पे जो है वो 4200 है, पे बॉन्ड 2 के मुताबिक। इसके बाद देख लेते हैं इसका वैकेंसी क्या था। देखिए, सिविल का जो वैकेंसी था तो वो टोटल था 240, जिसमें जनरल का था 83, एससी का था 41, एसटी का था 20, ओबीसी का था 96, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों एक साथ का जो वैकेंसी था 59, उसमें से जनरल का था 30, एससी का था 9, एसटी का था 4 एंड ओबीसी का था 16। इसके बाद देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। इसमें सिर्फ वन स्टेप होता है, वो है रिटर्न एग्ज़ाम। अगर इसको आप क्रैक कर गए तो इसके बाद वेरिफिकेशन होगा आपका डॉक्यूमेंट्स एंड मेडिकल होगा। तो अगर आप इस पर क्रैक कर गए, डॉक्यूमेंट्स में कोई डिस्प्यूट ना है और मेडिकल फिट है, तो आपकी जॉब पक्की है। इसके बाद देख लेते हैं किस टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन आता है। तो देखिए, यहाँ पर टोटल ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टोटल 120 क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन वैल्यू 1, तो टोटल जो है 120 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फुल एमसीक्यू में। एमसीक्यू में इसका क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है ऑनलाइन। इसके बाद दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने SC ST के लिए कुछ फैसिलिटी दिया है। जो SC ST कैंडिडेट है, अगर वो एग्ज़ाम देने जाएगा तो उसका ट्रैवलिंग अलाउंस गवर्नमेंट पे करेगा, इसलिए आपको SC और ST कार्ड जो है वो आपको साथ लेना ले जाना पड़ेगा। और जो टोटल जो बस टिकट या ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ट्रेन टिकट वो सबमिट करना पड़ेगा, तो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस गवर्नमेंट पे कर देगा। इसके बाद देख लेते हैं सिलेबस क्या, किस टाइप का सिलेबस इस एग्ज़ाम में आता है। पहले सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस देख लेते हैं। जो सिलेबस है वो दो हिस्सों में बांट दिया है, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन में जो आपके टेक्निकल है वो सिविल का है, बिल्डिंग मटेरियल्स, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC डिज़ाइन, RCC बीम एंड स्टील डिज़ाइन। पार्ट टू में जो है जनरल सब्जेक्ट है, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ, जनरल अवेयरनेस जो कि करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इंग्लिश लैंग्वेज जो कि ग्रामर वोकैबुलरी से आता है। इसके बाद देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस वो सेम है, पार्ट वन पार्ट टू में डिवाइडेड है। पार्ट वन में जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सर्किट लॉ, इलेक्ट्रिकल मशीन, जनरल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो पार्ट वन में इलेक्ट्रिकल ट्रेड का है। और पार्ट टू में जो है सेम रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो कि मैथ है, एरिथमेटिक टाइप जो 10th स्टैंडर्ड होगा, जनरल अवेयरनेस जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड ज़्यादा होगा, जनरल
इंग्लिश लैंग्वेज होगा। इसके बाद देख लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो भी पार्ट वन पार्ट टू में डिवाइडेड है। पार्ट वन में जो है ट्रेड का क्वेश्चन आएगा, फ्लूइड थर्मल इंजीनियरिंग, इसमें आईसी इंजन भी होगा, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस होगा, इसमें वर्कशॉप टेक्नोलॉजी जो कुल मिलाकर होता है वो होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसमें इमेक भी आएगा, थर्मल डायनेमिक्स जो इसमें थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स जिसमें मशीन डिज़ाइन भी आता है। और पार्ट टू में जो है वो सेम ही है, रीजनिंग क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो कि 10th स्टैंडर्ड का मैथ है, एरिथमेटिक, जनरल नॉलेज जो कि करंट अफेयर्स से ज़्यादा रिलेटेड है, जनरल इंग्लिश यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो कि ग्रामर से ज़्यादा आता है। इसके बाद देख लेते हैं एग्ज़ाम डेट इस साल का कब है। देखिए इस साल का जो एग्ज़ाम डेट है इसका टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट था अगस्त 2016 का। अब जो एग्ज़ाम का डेट है वो चार दिन का एग्ज़ाम का डेट है। पहले सिविल का होगा, सिविल का जो एग्ज़ाम का डेट रखा है 23rd and 24th April एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का जो एग्ज़ाम डेट है वो 25th and 26th April होगा। तो इतना ही था इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला टॉपिक। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अब लगता है इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया है आपका कोई काम में आएगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मेरा और भी वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ पर जो लिंक मैंने डाला है उस लिंक को क्लिक करना पड़ेगा। धन्यवाद।